हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 12। एपिसोड 12 स्टार्ट होता है तो स्टोर में शूटिंग स्टार्ट होती है। तो कांगजी बुक को रेडी किया जाता है मेकअप करके। तो देवन कांगजी बुक को देखकर खुद अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप लगा लेता है और फिर स्टोर में जाता है। तो वहाँ शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो इस सब से बहुत नर्वस होता है। तो सेब्यूल देवन से कहती है कि मिस्टर चो, आप नर्वस नहीं हो। देन शूटिंग पूरी होने के बाद सेतब्योल कांगजी बुक को कहती है कि तुम मिस्टर चो के साथ सही पेश आया करो और तुम मिस्टर चो को देखकर जेलिस क्यों होते हो। और सेतब्योल देवन की तारीफ करती है। तो देवन स्टोर रूम में से ये सब सुन रहा होता है और खुश होता है। इस ड्रामा में लव ट्रायंगल है। तो जब सेतब्योल देवन के साथ होती है तो कांगजी बुक को अच्छा नहीं लगता, और अगर सेतब्योल कांगजी बुक के साथ होती है तो देवन को अच्छा नहीं लगता। देन स्टार्ट होता है शूटिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें कांगजी बुक, देवन और सेतब्योल होते हैं और वो अपने स्टोर की स्पेशल डिश बताते हैं। पर देवन उस डिश में किसी और रेस्टोरेंट के मीट होने का नेम लेता है। तो कंपनी का डिपार्टमेंट हेड कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, अपने स्टोर के प्रमोशन के साथ किसी और रेस्टोरेंट का नेम नहीं लो। तो देवन कहता है कि ये स्टोर मेरा है और मैं स्टोर का ओनर हूँ। तो वो कंपनी का डिपार्टमेंट हेड गुस्से में आ जाता है और शूटिंग एंड करने की बोलता है। सेतब्योल ये सुनकर गुस्सा होती है और उस डिपार्टमेंट हेड को बहुत कुछ सुना देती है। सेतब्योल के इस रिएक्शन से देवन खुश होता है। तो जब इस सब का पता यूनजू को चलता है तो वो स्टोर पहुंचती है और वहां जाकर देवन से सॉरी बोलती है। तो देवन भी यूनजू को सॉरी बोलने के लिए छुपता है। तो सेतब्योल देवन को पकड़ लेती है और देवन को सॉरी नहीं बोलने देती और यूनजू से कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, और देवन को अंदर ले जाकर समझाती है कि गलती उनकी थी। तो मिस्टर चो, आप क्यों सॉरी बोल रहे थे? और देवन कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। देन यूनजू स्टोर से जा रही होती है तो वहीं उसे रास्ते में देवन के मॉम डैड मिलते हैं। तो यूनजू फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उसे इस जगह अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब देवन की मॉम सुन लेती हैं। और फिर जब यूनजू उन्हें देखकर रुक जाती है और हेलो कहती है तो देवन की मॉम कहती है कि तुम्हें इस पुअर जगह पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। और देवन की मॉम कहती हैं कि हम पुअर जरूर हैं पर हमारी भी इज्जत है और तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड जरूर है पर तुम लोगों की फीलिंग को हर्ट करते हो। पर यूनजू ये सब चुपचाप सुन लेती है और ये सब कुछ कहकर देवन की मॉम और डैड चले जाते हैं वहाँ से। देन स्टोर में कोई अपनी बुक छोड़ गया तो वो बुक सेतब्योल को मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है। तो देवन ये देखकर सेतब्योल से कहता है कि तुम अपनी स्टडीज पूरी करो। तो सेतब्योल कहती है कि मैं वर्क की वजह से बहुत बिजी रहती हूँ, स्टडीज कैसे करूँगी। तो देवन कहता है कि तुम अपनी स्टडीज पूरी करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर देवन अपनी शिफ्ट का टाइम पूरा करके जा रहा होता है तो वो स्टोर के बाहर कांगजी बुक को देखता है तो पूछता है कि यहाँ क्यों खड़े हो। तो कांगजी बुक कहता है कि आपकी शिफ्ट का टाइम पूरा हुआ ना, इसलिए अब मैं सेतब्योल के साथ रहूंगा क्योंकि वो अकेली है। तो देवन अपनी जेलसी की वजह से कहता है कि वो घर नहीं जा रहा और दोनों साथ में स्टोर के अंदर जाते हैं और साथ में सेतब्योल से कहते हैं कि तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सेतब्योल कहती है कि आप दोनों स्टोर पर रुको, मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैं थक गई हूँ। सेतब्योल की बहन इनब्योल का ट्रेनिंग पीरियड पूरा हुआ और अब उसे डेब्यू करना है। तो जब इसका पता सेतब्योल को चलता है तो सेतब्योल जाती है इनब्योल से मिलने। तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। फिर इनब्योल चली जाती है, फिर इनब्योल डेब्यू परफॉर्मेंस देती है पर वो स्टेज पर गिर जाती है। तो वो उठकर फिर से परफॉर्म करती है पर उसकी नोज से खून बहने लगता है। इस वजह से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उसके पैशन की वजह से। तो इनब्योल बहुत फेमस हो जाती है।
इन ब्योल की पॉपुलैरिटी के बाद वही तीन गर्ल्स जिन्हें सेठ ब्योल ने मारा था और उन्होंने युंजो को परेशान किया था, तो वो अब इन ब्योल को ब्लैकमेल करते हैं और कहती हैं कि हमें एक्टर कांगजी बुक से मिलवाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बुली करने वाली फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। तो इस सबसे इन ब्योल टेंस्ड हो जाती है और फिर वो कांगजी बुक से मिलने जाती है और कांगजी बुक को सब बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि उन गर्ल से मिलने के लिए, पर सेठ ब्योल को नहीं बताए तो कांगजी बुक मान जाता है और वो उन गर्ल से मिलने जाते हैं और ऑटोग्राफ देता है। फिर कांगजी बुक और उन ब्योल चले जाते हैं तो वही गर्ल्स बाहर आकर कांगजी बुक और उन ब्योल की फोटो ले लेती हैं ब्लैकमेल करने के लिए। नेक्स्ट डे इन ब्योल स्टोर जाती है सेठ ब्योल से मिलने, तो वहीं उसे वो गर्ल्स कांगजी बुक और उसकी पिक्स भेजती हैं। तो सेठ ब्योल ये देख लेती है और इन ब्योल से कहती है कि तुम ऐसी लड़कियों के साथ रहती ही क्यों थी। तो इन ब्योल सेठ ब्योल की नहीं सुनती और स्टोर से चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम देओन सेठ ब्योल को मैसेज करता है और स्टोर जल्दी आने को कहता है। तो सेठ ब्योल जल्दी से स्टोर पहुंचती है और वहां देओन उसे स्टोरेज रूम में ले जाकर सरप्राइज देता है। देओन ने सेठ ब्योल की स्टडी के लिए वहां बुक्स, टेबल, पेन सब उसके लिए खरीद दिया और सेठ ब्योल ये देखकर बहुत खुश होती है और देओन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। देन कंपनी में सभी वर्कर्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइज बहुत हिट हुई। फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है और थोड़ी देर बाद युंजो को अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की याद आती है जो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस प्रोजेक्ट फाइल से युंजो को पता चलता है कि देओन ने जॉब उसकी वजह से छोड़ा था और इस सब से युंजो बहुत परेशान होती है। फिर वो देओन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने जॉब मेरी वजह से छोड़ी, और देओन से सॉरी बोलती है और फिर कहती है कि मैं अब सब पहले जैसा कर दूंगी। और सेठ ब्योल ये सब देख और सुन लेती है और यही एपिसोड 12 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब टू माय चैनल।